सेंड किया था। आप इसके अंदर जितने भी देखो, ये जितने भी चैप्टर्स है ना, अभी जो अपने चल रहे हैं बोर्ड वाले चैप्टर और मेंस वाले चैप्टर, इनमें बहुत टफ सवाल नहीं पूछेगा। कि देखो आईआईटी है नहीं, आईआईटी होता तो टफ सवाल पूछ सकता था। यहाँ पे तो उसका राइट ही खत्म हो गया कि भाई टफ सवाल पूछेगा। तो आपको एनसीआरटी बनी रहनी चाहिए आपकी, इन चैप्टर्स में आपकी एनसीईआरटी की रीडिंग रहनी चाहिए, और आपके जो स्टेट बोर्ड में दिया हुआ है वो आपको पता रहना चाहिए, और सिर्फ पुराने जो भी क्वेश्चंस मिले आपको, चाहे सीईटी में आए हुए हो या चाहे सिर्फ मेंस में आए हुए हो, वो आप क्वेश्चंस देख ले बस। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा तूफानी कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, इट इज एन इजी पार्ट। ओके, तो पिछली क्लास में जो अपना पार्ट हुआ था उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पिछला क्लास का रिकैप करा दूं, जो भी चीजें अपने को दिखती हैं संसार में वो किस टाइप की हैं, बेसिकली उनके एक्चुअल साइज ना दिख के अपने को अपेरेंट साइज होती है, जितना दूर होगा उतना ऑब्जेक्ट स्मॉल दिखेगा, क्योंकि विजुअल एंगल से अपन फाइंड करते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या करता है, एक माइक्रोस्कोप आपका विजुअल एंगल जो है वो बढ़ा देता है, और आपको एक छोटा ऑब्जेक्ट भी बड़ा ऑब्जेक्ट दिखाई देने लग जाता है। और मैग्निफिकेशन जो है वो बेसिकली, अच्छा दो टर्म होते हैं, एक जब आईज के पास में इमेज इंफिनिटी से आ रही है, एक जब आईज पे इमेज इंफिनिटी से आ रही है, पहले जितने लोग प्रेजेंट अपना नाम लिखते जाए, जितने लोग प्रेजेंट अपना नाम लिखते जाए, एक जो इन्फिनिटी से इमेज आती है वो अपन आराम से चिल मोड में रिलैक्स होके देख सकते हैं, उसमें आंखों पे कोई स्ट्रेन नहीं आता। और अपन मिनिमम कितना डिस्टेंस देख सकते हैं, कैपिटल डी इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन। एकदम इमेज अपने को अच्छी दिखाई देगी बट पास रहती है वो। अच्छा, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन जो है सीधा अपन ने एक पे था, ये थीटा एच बाई यू होता है, मैग्निफिकेशन सिंगल माइक्रोस्कोप का कैपिटल डी बाई एफ, अगर ऑब्जेक्ट इज एट द फोकल लेंथ एंड इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। बट अगर इमेज जो है वो डी पे फॉर्म हुई और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेस देन एफ है तो आईज आर स्ट्रेन। सिंपल माइक्रोस्कोप, फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अच्छा सुनो, ये बताओ इनमें से आईपीस बड़ा है कि ऑब्जेक्टिव बड़ा है, इस डायग्राम में आईपीस बड़ा है कि ऑब्जेक्टिव बड़ा है, साइज किसका बड़ा है, साइज किसका बड़ा है, इसका बड़ा है, तो इसको बोलता है लार्जर अपर्चर। ये भी अगर आपने देखा हो क्वेश्चन कल जो मैंने भेजा है, तो उसमें ये भी पूछ लेता कंपाउंड माइक्रोस्कोप में किसका ज्यादा बड़ा अपर्चर होता है, अपर्चर मतलब साइज, आईपीस का होता है, ऑब्जेक्टिव का होता है, या दोनों सेम साइज के होते हैं। बस ये सिंपल सिंपल आप लाइन टू लाइन अपना एनसीईआरटी पढ़ के जाएंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया तो प्लीज स्टडी दी एनसीईआरटी। ओके, तो अभी अपना लास्ट है, फिर नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, कुछ क्वेश्चंस और करा दूंगा। नेक्स्ट थर्ड जो डिवाइस है दैट इज टेलीस्कोप। थर्ड डिवाइस क्या है, टेलीस्कोप। थर्ड डिवाइस क्या है, टेलीस्कोप। पहले एकदम शांत चित्त से, शांत मन से इसका डायग्राम देख लो। पहले क्या करो, इसका डायग्राम आप समझ लीजिए। टेलीस्कोप जो है उसमें अपन क्या चीज यूज होती है वो देखते हैं। टेलीस्कोप बेसिकली इट इज यूज टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। क्या होता है, ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको देखने में काम आता है। अब ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट में जैसे सन मून ये जो भी होंगे वो किधर होंगे, बहुत दूरी पे होंगे। तो एक मेरे पास में होगा और एक ये है। अब यहां साइज अदला बदली हो गई, यहां पे आंखें होंगी, बताओ इसका क्या नाम दो, इस लेंस को क्या बोलो,
आईपीस, ठीक है, जो आंखों के पास है, ये क्या होता है, ये होता है ऑब्जेक्टिव, क्यों, ऑब्जेक्ट के पास होता। अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट बहुत दूरी पे है, देखा ना, बहुत दूर की चीजें पास दिखाई देती हैं, बहुत दूर की चीजें, याद है दूरबीन उरबीन मारते हैं, या ये तो देखा होगा आप लोगों ने, अरे जो मूवीज होती है अपनी जिसके अंदर शूटर होता है तो वो बंदूक रहती है उसके अंदर एकदम पास से एकदम एम कर सकता है, देखिए यार वो कौन सी है यार अपने, हाँ स्नाइपर गन्स, ये वेरी गुड, कौन सा मिशन इम्पॉसिबल ये सब मूवीज में यही सब होता है ना, ये इसका सिंप्लीफाइड कंस्ट्रक्शन है, बट इतना सिंप्लीफाइड नहीं होता, थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है। हाँ वॉर, अच्छा वॉर एकदम फालतू मूवी वॉर, सर के साथ गया था मैं देखने और किसी ने मेरे को उसका सस्पेंस था घुसने से पहले ही बता दिया। ओके, मान लीजिए ये एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, बहुत दूर ऑब्जेक्ट है, क्यू और पी, ये आईपीस है, ये क्या है आईपीस है। अब क्या होगा, ये एंगल अल्फा है, सेम ये एंगल अल्फा यहां पे इमेज बनेगी, ठीक है, ये पी क्यू इमेज है, दिस इज पी डैश, दिस इज क्यू डैश, दिस इज द इमेज, ठीक है, ये इमेज बन गई यहां पे अल्फा, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है, इसको ध्यान से समझिए, अब ये इमेज जो बनी ऑब्जेक्टिव से जो इमेज बनी, अब ये आईपीस में एक और इमेज बनेगी, ये पी डैश क्यू डैश है वो नजर आएगी, मान लीजिए कहीं पीछे, मान लीजिए ये कहीं पे पीछे नजर आ रही है, दिस इज पी डबल डैश क्यू डबल डैश, ठीक है, पी डबल डैश क्यू डबल डैश, ये अल्फा, ये अल्फा और ये है बीटा, ये है बीटा, दो कन्वर्जिंग लेंस है, ऑब्जेक्टिव है, आईपीएस है, ये टेलीस्कोप, टेली मतलब बहुत डिस्टेंस, डिस्टेंस की चीजें बहुत बड़ी करके दिखा देता है, दिस इज टेलीस्कोप। अब मैग्निफाइंग पावर जो है अपन डिस्कस करेंगे, मैग्निफाइंग पावर डिस्कस करेंगे, दिस इज ओ एंड दिस इज लेट्स से ई, तो अल्फा जो है एन अल्फा, ये दोनों सेम ही है, इसको अगर मैं अल्फा डैश बोलूं तो अल्फा डैश और अल्फा सेम ही है, ये होगा कितना, ये अल्फा डैश कितना होगा, दिस इज पी डैश क्यू डैश अपॉन ओ ओ पी डैश, ये अल्फा, सबको समझ में आ गया, बहुत छोटा है अल्फा डैश आउटर, सबको समझ में आया, ओके नेक्स्ट टेन बीटा कितना होगा, टेन बीटा या बीटा जो है वो कितना होगा, कोई रेशो बता सकता है क्या, टेन बीटा का कितना होगा, टेन बीटा की वैल्यू कितनी होगी, टेन बीटा कितना भाई, कितना हो गया भाई बताओ तो सर, ये अरे पी डैश, सॉरी पी डैश क्यू डैश अपॉन पी डैश ई, बस हो गया, ये अल्फा है ये बीटा है, बात एकदम सिंपल सी आपसे पूछी गई है कि अगर, सुनो एक मेरी बात समझो, कहीं आपको ये तो संख्या नहीं हो रही सर, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, वो इन्फिनिटी का ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई देगा, बेटा इन्फिनिटिव रिलेटिव टर्म्स में, अब आपसे सूरज और आपसे चांद कितना है, बहुत ज्यादा लैक्स ऑफ किलोमीटर है, बट फिर भी वो आपको दिखता तो है ना चांद, यहां से दूर आकाश में प्लेन है, कुछ भी है, सूरज तारे पहाड़ बहुत दूरी पे, किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे होंगे, बट आपको दिखते हैं, क्यों दिखते हैं, क्योंकि वहां की लाइट आपकी आंखों में जा रही है, तो वैसे ही अगर जैसे स्नाइपर जो गनर लोग रहते हैं, क्या उनको आदमी नहीं दिखेंगे अगर वो गन हटा देंगे, हाँ उनको मूवमेंट दिखाई देगा,
बट उनको ज्यादा बेटर क्लैरिटी से दिखेगा कि भाई हाँ ये इसके शोल्डर पे एम करना है, इसके हेडशॉट लेना है या क्या करना है, दिखेगा जरूर बट बहुत छोटा दिखता है। तो अगर ये सेटअप नहीं होता तो इस आंखों से जो नेकेड आई है उस पे एंगल कितना बनता, अल्फा। बट क्योंकि आपने ये टेलीस्कोप लिया और अब आंखों से आंखों पे कितना एंगल बनेगा, बीटा। यहां तक छाप लो, यहां तक छाप लो। ऐसा मत सोचना सर इंफिनिटी है तो कुछ ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। अरे सूरज चांद भी इंफिनिटी पे होते हैं बट उनके साइज इतनी बड़ी है, इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं कि वो छोटी सी इमेज दिखती है उनकी। तो ऐसे मत सोचना पी क्यू का सर पी डैश क्यू डैश तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। बेटा होगा, कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी, वो डिमिनिश जरूर होती है बट इट वुड बी फाइनाइट। यहां तक लिख लिया तो डन कर दीजिए। ये स्मॉल होता है, इसमें आईपी स्मॉल होता है, इसमें ऑब्जेक्टिव थोड़ा लार्ज होता है। अगर कोई भी लेंस यूज नहीं करते तो आंखों पे वो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एंगल बीटा ही बनाता, सॉरी एंगल अल्फा ही बनाता, बट क्योंकि मैंने सेटअप यूज कर लिया तो अब एंगल बन रहा है बीटा। हो गया तो डन लिख दीजिए। मैं मैग्निफिकेशन लिख दूं। मैग्निफिकेशन क्या होगा इसमें, ये टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन क्या है, एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज, एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज ऑन द आई, एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज ऑन द आई अपॉन एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट on the unaided eye या naked eye जो भी बोलो। अच्छा अल्फा क्या है, अल्फा क्या है, अल्फा है एंगल सबटेंडेड इफ नो लेंस इज यूज्ड। और बीटा क्या है, एंगल ऑन आईज आफ्टर लेंस आर यूज्ड। तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया, बीटा बाय अल्फा। बीटा की वैल्यू देखिए कितनी आई थी, बीटा की वैल्यू पी डैश क्यू डैश अपॉन पी डैश पी डैश, पी डैश क्यू डैश अपॉन पी, सॉरी अपॉन अल्फा की वैल्यू कितनी है, पी डैश क्यू डैश अपॉन ओपी डैश। देखो कुछ कट गया, ये ओपी डैश अपॉन पी डैश ई आ गया, ओपी डैश अपॉन ओपी डैश अपॉन पी डैश ई आ गया, ठीक है। ये मैग्निफिकेशन है। यहां तक छाप लो। सर वो हाँ बेटा कुछ सर वो ऑब्जेक्ट के लिए लिखा है क्या, ऑब्जेक्ट सर वो जो एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द, सर वो उसके नीचे क्या लिखा है, ऑन अनएडेड, ऑन अनएडेड, अनएडेड आई या नेकेड आई, नेकेड आई, अनएडेड मतलब किसी लेंस का किसी कुछ और सहारा नहीं लिया। देखो अगर अगर ये लेंस सिस्टम नहीं यूज करते आंखों पे कौन सा जो अल्फा एंगल है वही सब्स्टिट्यूट होता, मतलब सबटेंड होता, बट क्योंकि मैंने लेंस यूज कर लिए कुछ सेटअप बना दिया तो अभी बीटा एंगल सबटेंड हो रहा।
ये यहाँ तक लिख के मेरे को, आपको मैं फाइनल में फॉर्मूले दूंगा, बस वही रटने आपको और कुछ भी नहीं करना। यहां तक डन कर दिए, लिख लिया तो डन कर दीजिए। देखिए ध्यान से सुनिए, ये अपना आया मैग्निफिकेशन, आया अपना कितनी वैल्यू आई, मैग्निफिकेशन की वैल्यू आई ओपी डैश अपॉन पी डैश ई, ये वैल्यू आई पी डैश ई। ओके, मुझे बताइए ओपी डैश कितना होगा, कोई भी गैस करो। देखो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, इस ऑब्जेक्ट के लिए, इस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, तो ये इमेज ओपी डैश क्या होगा बेटा, ओपी डैश जो है ये इसका फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव होगा। दिस ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, क्या मैं इसको एफ ओ लिख सकता हूं? हाँ एफ ओ लिख सकता हूं, एफ ओ लिख सकता हूं, इसको मैं एफ ओ लिख सकता हूं। देखिए जरा, दिस इज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। क्यों? क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट बहुत सूरज चांद तारे हैं तो यह आ गया ओपी डैश, दैट इज इमेज इज फॉर्म एट द फोकस या फोकल प्लेन ऑफ द लेंस। अच्छा अब पी डैश ई क्या है बेटा, व्हाट इज पी डैश ई? पी डैश ई क्या है? पी डैश ई ये जगह है जो आईपी से, ये फर्स्ट इमेज की पोजीशन है, क्या मैं ये बोल दू दिस इज यू ई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर दिस आईपीस, फॉर आईपीस। ठीक है, ये क्लियर है क्या आपको? यहां तक क्लियर है? ओके, ये नोटेशन लिख लेना। तो दिस इज एफ नॉट अपॉन, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस, दिस इज मैग्निफिकेशन। अच्छा मुझे बताओ, दो मोड होते हैं देखने के, एक होता है रिलैक्स मोड नॉर्मल एडजस्टमेंट, एक होता है नॉर्मल एडजस्टमेंट रिलैक्स मोड। रिलैक्स मतलब एकदम आंखें रिलैक्स होके देखती है। अच्छा आंखें रिलैक्स होके देखेंगी, आंखें रिलैक्स होके देखेंगी तो जो फाइनल इमेज है वी ही, वो कितना होना चाहिए? इंफिनिटी होना चाहिए। तो उसके लिए यू ही कितना होना चाहिए? फोकल लेंथ ऑफ आई पी। तो उस केस में मैग्निफिकेशन कितना हो गया? एफ नॉट बाई एफ पी। कितने को ये पॉइंट समझ में आया? ये रखना है। देखो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन यू ही है। दो मोड होते हैं, एक मोड होता है जब फाइनल इमेज जो मिले कहां पे मिले, आंखों को एकदम चिल देखना है, चिल होके देखना है, तो फाइनल इमेज जो है इंफिनिटी से अपीयर हो कि इमेज जो है इंफिनिटी से आ रही है, आंखों को जो है सिलेरी मसल बिल्कुल भी कॉन्ट्रैक्ट या कंप्रेस नहीं करेंगे, एकदम मस्त देखेगा। एक होता है लीस्ट डिस्टेंस पे मिले, लीस्ट डिस्टेंस। तो लीस्ट डिस्टेंस क्या होती है? लीस्ट डिस्टेंस होती है वीई जो हो, वीई हो वो कैपिटल डी हो, वी कितना हो? कैपिटल डी हो। तो उस केस में यूई कितना हो जाएगा? सर ढूंढना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला, 1/v - 1/u = 1/f। क्या यहां से मैं v जो है माइनस डी आना चाहिए, और ये कितना हो गया, ये मेरे पास में 1/f(e) है एंड मुझे u चाहिए था ना। ओके मैं इसको यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेता हूँ, ये ऐसा करके मुझे 1/ue आ जाएगा।
यहां से यूई पता है कितना आएगा, यहां से यूई आ जाएगा अपने को, यहां से यूई आ जाएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी, कितनी आएगी, डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई, नहीं दिखाई दे रहा, यूई इज इक्वल्स टू डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई, ये है, ये है। कितने को समझ में आया, दो ही है, एक नॉर्मल एडजस्टमेंट में देखते हैं जब इमेज इंफिनिटी पे कॉम हो, और एक लीस्ट डिस्टेंस जहां से इमेज आपको आराम से दिखाई दे जाए। अब यूई एक में तो यूई की वैल्यू ये आ गई थी, अब दूसरे केस में इसको सब्स्टिट्यूट कर दो यूई की जगह, ये कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बस। एक बार यूई आया एफ ई के बराबर, एक बार यूई आया इसके बराबर, हो गया तो डन लिख दो। बेटा फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा दिक्कत लगेगा आपको, तो इस वाले केस में मैग्निफिकेशन कितना होगा, मैग्निफिकेशन होता है एफ ई बाय यूई, यूई की वैल्यू डाल दीजिए, सॉरी कुछ गड़बड़ तो नहीं कर, नहीं एफ ओ है, एफ ओ है, एफ ओ यूई की वैल्यू डी एफ ई डी प्लस एफ ई। अरे देखो ये क्या बन गया, वन प्लस एफ ई बाय डी बन गया, यहाँ पे मैग्निफिकेशन कितना था, एफ नॉट बाई एफ ई आया, यहाँ पे मैग्निफिकेशन इतना है, यहाँ पे मैग्निफिकेशन इतना है, समझ रहे हो क्या, ये दोनों याद रखने बस, दैट्स इट। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो होता है उसमें एक मैग्निफिकेशन एफ नॉट बाई एफ ई आता है जब आईज आराम से देखेंगी, ये मैग्निफिकेशन इस वाले मैग्निफिकेशन से थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है, क्यों बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे जो फाइनल इमेज बनेगी वो जो आईज आईज मिनिमम डिस्टेंस पे देख सकती हैं, दैट इज डिस्टेंस ऑफ लीस्ट विजन, मतलब डिस्टेंट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कैपिटल डी, दोनों केस के लिए अपने पास में मैग्निफिकेशन आ गया, ये सबसे कम ये सबसे ज्यादा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई, ये दोनों फॉर्मूले रट लेना, दोनों फॉर्मूले आपको रट लेना है, रट लिया तो बताओ। देखो कोई घाई नहीं है, अपन समझ के करेंगे, ठीक है, चार अटेम्प्ट है अपने पास में, फरवरी मार्च अप्रैल मई, फिर उसके बाद, अभी सुनो इसका मतलब समझे दया, एडवांस कब होगा दया बताओ, एडवांस कब होगा, कौन से मंथ में हो सकता, ऑब्वियस है मई के बाद ही होगा, मई के बाद मतलब जून भी हो सकता है, जुलाई भी हो सकता, तो अपने पास में टाइम बहुत ज्यादा है, जून जुलाई तक एग्जाम होगा अपना, जून जुलाई तक एग्जाम होगा अपना, सीईटी भी होगा, सीईटी भी तो जून में ही होगा फिर, तो अपने पास में देखो अब आपका कोर्स ऐसे ही खत्म हो गया, मेन देखो यार
कोर्स खत्म कर रहे हैं अपन भी, ठीक है, बट अपन ऐसा है कि यार सब चीजें आनी चाहिए, ऐसे नहीं है बस यार जो है क्राइटेरिया फटाफट उड़ा दो, ये कई लोग एक घंटे में खत्म कर देते हैं, फॉर्मूले बताते हैं अगर पढ़ लेना, तो ऐसा नहीं है। आपको देखो समय है, अगर चीजें पता रहेंगी मे बी फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं सेकेंड अटेम्प्ट में सही कर दोगे आप सवाल। अच्छा आप ये देखो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, टेलीस्कोप का लेंथ कितना है, देखो ध्यान से देखना, ये टेलीस्कोप का लेंथ कितना होगा, कितनी बड़ी ट्यूब होगी टेलीस्कोप की, क्या मैं बोल दूं लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इज ओ पी डैश प्लस पी डैश ही, ओ पी डैश ये लेंथ होगी टेलीस्कोप की, तो क्या लेंथ में लिख सकता हूं दिस इज ओ पी डैश प्लस पी डैश ही, तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप पे भी सवाल रहता है, तो बताओ लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कितनी, ओ पी डैश प्लस पी डैश ही। अरे बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव है ये लेंस और ये लेंस, छोटा था, ये लेंस और ये लेंस इनके ऑप्टिकल सेंटर्स के बीच में ही तो डिस्टेंस है, ये लेंथ है। अच्छा ओपी डैश मेरे को पता है दिस इज फिक्स, वो हमेशा फोकल लेंथ होगा उसका। अब ये क्या है, ये दो गेज बन सकते हैं, इसको मतलब ऐसा नहीं होता टेलीस्कोप मतलब फिक्स नहीं होता, उसमें देखा है वो थोड़ा घुमाता है उसको, जो भी स्नाइपर रहता है स्नाइपर गन कैरी करता है वो उसको ऐसे थोड़ा थोड़ा घुमा सकता है, वो उसकी लेंथ वेरी कर सकता है, तो मिनिमम लेंथ होगा जब एफ नॉट और ये होगा उसका फोकल लेंथ, मिनिमम देखो यही तो आया, जब यूई पी डैश जो है पी डैश है यूई एफ ई हो, दूसरा कितना हो सकता है डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई, दूसरा क्या हो सकता ये एल मैक्स हो सकता एफ नॉट प्लस डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ, बस हो गया लेंथ के सवाल आ गए। ले रहे यहां तक, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इसको चेंज करा जा सकता है, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप को चेंज कराया जा सकता है। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप को चेंज कराया जा सकता है। आई होप सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एडवांस में सवाल ना के बराबर निकाल दिए, इसमें मेंस में सवाल जरूर है। अच्छा दो तीन चीजें और आपको समझ लो, ये टेलीस्कोप ऑब्जेक्ट PQ है, फाइनल इमेज जो दिख रही है वो इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, जो आंखें देखेंगी वो फाइनल इमेज कैसे देखेंगी, इरेक्ट देखेंगी कि इन्वर्टेड देखेंगी, फाइनल इमेज बताओ इरेक्ट देखेंगी कि इन्वर्टेड देखेंगी, अरे ये PQ ऐसा है ये फाइनल इमेज ये दिख रही, तो बताओ इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है, इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है, ये बताओ, सभी का आंसर मैच करना चाहिए भाई, हम चिंदी चिंदी सवाल पूछ रहा। इन्वर्टेड है, ठीक है, तो आपको सवाल आ गया। ओके एक क्वेश्चन है बहुत पहले जेई में पूछा गया था जब सिलेबस में था, उस समय पे क्या सवाल था ये आप करेंगे, बहुत पहले जब सिलेबस में था, प्लैनेट इज ऑब्जर्व
observed by an astronomical telescope. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये जेई का सवाल है, आईआईटी जेई का, जिस समय सिलेबस में था. हैविंग हैविंग एन ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ. अरे वो जो दूसरा वो देखता है ना साइफर वाला, वो अलग चीज है, पर जो अपने टेलीस्कोप जो होते हैं ना बड़े बड़े, जो लेबोरेटरीज में चांद तारे देखने के लिए होता है, उसका इतना बड़ा फोकल लेंथ है. ठीक है. एंड एंड आईपीस आईपीस ऑफ फोकल लेंथ. आप अगर न्यूज में देखते हो तो इंडिया के भी जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है ना, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, दो तीन टेलीस्कोप, तीन कैटेगरी के टेलीस्कोप है बेटा. एक जो अपना स्नाइपर गनर यूज करता है वो टेलीस्कोप ही है, दूर की चीज ही दिखाता है. देखो टेलीस्कोप, टेली टेली जैसे टेलीविजन होता है ना, टेलीविजन टेलीस्कोप, टेली का मतलब दूर, टेलीफोन तो दूर की चीज दिखाता है, टेलीस्कोप दूर की चीज दिखाता है. तो ये दो तीन चीजें दी हुई है. आपसे चार ऑप्शन दिया था, क्या चार ऑप्शन में पहला दिया था, बोला कि एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस 800. सेकेंड बोला द इमेज ऑफ प्लैनेट प्लैनेट इज इन्वर्टेड, इमेज ऑफ द प्लैनेट इज इन्वर्टेड. सी ऑप्शन, ऑब्जेक्टिव इज लार्जर लार्जर देन आईपीस. डी the length of telescope, the length of telescope is, बताओ, more than one correct है, more than one correct है. More than one. क्या क्या आंसर हो सकते हैं? एंगुलर मैग्निफिकेशन, इमेज इज इन्वर्टेड, ऑब्जेक्टिव इज लार्जर देन, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इज दिस. कोई तो अटेम्प्ट करो यार, चैप्टर खत्म. मैग्निफिकेशन देखो, वेरी गुड श्रेयस, शाबाश, पीछे खोल खोल के देखो, वेरी गुड वाइबी. अरे ऑब्जेक्टिव लार्जर होता है क्या? हाँ, ऑब्जेक्टिव लार्जर होता. लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कितनी थी? एफई प्लस एफओ, ये मिनिमम था, तो एफई कितना है? 16 मीटर. वो कितना है? 0.02 मीटर. तो कितना हो गया? 16.02 मीटर. तो ये भी सही है. फाइनल इमेज मैंने लिखाई थी, कैसी होती है? फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड, ये लिख लो. फाइनल इमेज is inverted. Final image जो आती है वो inverted आती है. Final image. Magnification क्या होता है? Magnification कितना आएगा? Magnification है FO by FE. ठीक है, Magnification सही है, negative sign आएगा उसके पीछे. चारों option जब syllabus में था तब था ये सवाल. तो जब आईआईटी ने ऐसा चिंतित सवाल पूछा है तो आप समझ लो. और जो मैंने कल एग्जांपल्स दिए हैं उनको जरा देखो, उनसे समझो कि भाई यार क्या अपने से सही आंसर बन सकता क्या.
एचसीबी के एग्जांपल्स खोल के देखो। टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है, आईपीस छोटा होता है, ठीक है। जैसे नासा वासा इन सब में जो है टेलीस्कोप्स है, तो उनमें ऑब्जेक्टिव क्यों बड़ा होता है, ऑब्जेक्टिव क्यों बड़ा होता है इसमें, क्योंकि जो लाइट्स हैं वो स्टार से मुझे मैक्सिमम कलेक्ट करनी है लाइट्स, तो जो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा रखना पड़ेगा ताकि मैक्सिमम से मेजोरिटी लाइट्स आ सके उसके अंदर। फिर आंखों को थोड़ा फोकस करके देखना पड़ेगा उसको, ठीक। इतना सबसे हो गया, ओके। नेक्स्ट, एक सवाल और था, एक सवाल और दिया गया था, लिख लो। टेलीस्कोप, टेलीस्कोप के ऊपर तो कम ही सवाल है, चलो फिर भी कर लो। हाँ, सिंपल सवाल है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप है, और टेलीस्कोप हैज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एज 200 सेंटीमीटर एंड फोकल लेंथ ऑफ आईपीस एज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज सीन, ठीक है। द फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी, फाइंड लेंथ ऑफ द ट्यूब, टेलीस्कोप की ट्यूब का लेंथ बताना है, और एंगुलर मैग्निफिकेशन, लेंथ ऑफ ट्यूब बताना है और एंगुलर मैग्निफिकेशन बताना है, लेंथ ऑफ ट्यूब बताना है और एंगुलर मैग्निफिकेशन बताना है। एक मिनट का सवाल है। अरे भक्ति वक्ति सो गए क्या? भक्ति, संवेद, अंडरवुड, जायसवाल, वापस सारे फॉर्मूले एक बार देख लो इस चैप्टर के। हाँ सबके आंसर आ गए, वेरी गुड। अरे यार कुछ था ही नहीं, लेंथ को दोनों को ऐड करना था।
मैग्निफिकेशन क्या था, मैग्निफिकेशन रेशियो है, नेगेटिव साइन रहता है क्योंकि इनवर्टेड दिखता है, ये है। क्या बड़ी बात है इसमें, ठीक है सबको इतना क्लियर है, ठीक है नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे क्या, या कुछ कंपाउंड पे भी एक दो सवाल और कर लेते हैं, ठीक है। और वेवलेंथ हो ही गया, ठीक है डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव इतना है, ठीक है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, ओके ओके। एक एक फॉर्मूला और लिख लो, हो गया ना चैप्टर खत्म हो गया है, बट जस्ट एक फॉर्मूला और लिख लो, एक फॉर्मूला और है, सिर्फ ये फॉर्मूला है। अच्छा आपने रात में गाड़ी अगर ट्रैवल करी हो, गाड़ी से अगर ट्रैवल किया हो रात में, या नॉर्मल सी बात है, रिजॉल्विंग पावर आता है, एक है रिजॉल्विंग पावर, क्या है रिजॉल्विंग पावर, ठीक है एक फॉर्मूला है दैट्स इट, और आपको एचसीवी में मिल जाएगा, एक फॉर्मूला और रह गया है। एचसीवी में सिर्फ अपने को एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप करना है और गैलीलियन टेलीस्कोप और ये सब अपने को नहीं करना है। तो देखिए रिजॉल्विंग पावर एक छोटा सा फॉर्मूला है, एक माइक्रोस्कोप किसी भी दो डिस्टेंस चीजों को कब तक रिजॉल्व कर सकता है, रिजॉल्विंग, जैसे मैं आपको बताऊं ये है, मैंने ये लिखा, और ध्यान से देखो आपको लगेगा ये दोनों लेटर एक ही है, अब आप इसको मर्ज, आप मानोगे मर्ज हो गया है, ठीक है, बट अगर आप इसको जूम करो, जूम करो तो जूम करोगे तो ये लेटर ऐसा नजर आएगा, ये लेटर आपको ऐसे डिफरेंशिएट करने को मिलेगा, अरे नहीं इनमें वाकई में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो एक पावर, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर है, फॉर्मूला दिया रहता है क्या है, ठीक है दिस इज रिजॉल्विंग पावर इज 1/Δ d 2μsinθ by lambda, ठीक है ये रिजॉल्विंग पावर r, दिस इज रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग पावर वो पावर जिसमें एक माइक्रोस्कोप से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो दो डिफरेंट लाइंस हैं या दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। अच्छा एक एक ध्यान से ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट देखो, जब नाइट टाइम में जब आप साइकिल चला रहे हो, ठीक है या बाइक चला रहे हो, सामने से आपको नजर आएगा कि भाई यार एक सिंगल लाइट आ रही है, बट जैसे जैसे वो पास आएगी ना आपको पता चलेगा नहीं यार वो एक सिंगल लाइट नहीं है, वो बेसिकली कार की दो हेडलाइट्स है, आपको पहले एक सिंगल लाइट नजर आएगी, फिर जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट आपके पास आएगा आपको ऐसा थोड़ा सा डिफरेंस नजर आएगा, फिर जो बहुत पास आएगा तब लगेगा कि नहीं यार ये तो कार के दो हेडलाइट्स है। ऐसा हुआ है कि कभी आपके साथ में दूर से देखो तो ऐसा लग रहा है कि सिंगल जो है हेडलाइट जल रहा है, पर जैसे जैसे पास आता है आप डिफरेंशिएट कर पाओगे, अरे नहीं यार ये तो एक ही, मतलब एक ही कार है, कार के दो हेडलैम्प्स है। तो ये होता है रिजॉल्विंग पावर, आप दो चीजों को डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, जैसे ये बंदा और ये बंदा, अगर इस चीज को बहुत दूर से देखोगे ना आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाओगे कि ये इनका बाउंड्री बॉर्डर, इनकी बाउंड्री कहां है, बाउंड्री। तो रिजॉल्व करना मतलब बाउंड्री पहचानना, किसी भी माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर होता है 1/Δ d, ठीक है इट इज द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच दे कैन सीन एज सेपरेटली, इतना डिस्टेंस मिनिमम है। ये क्या दिया जाता है, 2μsinθ/λ, वेयर म्यू इज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, लैम्डा इज द वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ लाइट, और थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय रेडियस ऑन वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। तो डिफरेंस लिख लेते हैं, लैम्डा
वेवलेंथ ऑफ लाइट, कौन सी लाइट यूज करी है आपने, ठीक है, म्यू इज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड माइक्रोस्कोप एंड थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय बाय रेडियस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑन ऑब्जेक्ट ऑन वन ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिफरेंशिएट करना वही रिजॉल्विंग पावर होती है। जितना ये डिस्टेंस छोटा होगा उतना ज्यादा रिजॉल्विंग पावर है, उतना ज्यादा रिजॉल्विंग पावर है। वो बता सकता कि ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं है, ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, यही रिजॉल्विंग पावर है। हो गया, चलो ठीक है, इसको डिफ्रैक्ट रिफ्लेक्शन और उस समय और करेंगे। कुछ आपको टेक्स्ट बुक से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, रिजॉल्विंग पावर अलग चीज है। ठीक है, चैप्टर खत्म, नेक्स्ट चैप्टर डाल लीजिए सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट चैप्टर डाल लीजिए सेमीकंडक्टर। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स तो इतना ही है, रिजॉल्विंग पावर ये डी फ्रैक्शन में और कर लेंगे। नेक्स्ट चैप्टर डालें सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट चैप्टर डालें सेमीकंडक्टर। नई पीपीटी बना लेता हूं। ये इसको रीड कर लीजिए, नेक्स्ट हेडिंग डाले सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए सेमीकंडक्टर्स। अगेन इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर है, अच्छा चैप्टर है, ठीक है, बहुत ही अच्छा है, मींस में कुछ सवाल आ सकते हैं इस पे, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, सेमीकंडक्टर में टाइम लगेगा। इसके लिए भी अगेन मंत्र यही रहेगा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कंप्लीट है ना, कुछ डिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन है वो बाद में देखेंगे अपन। सेमीकंडक्टर्स हेडिंग डाल लीजिए सेमीकंडक्टर्स। अगेन टारगेट क्या है सेमीकंडक्टर्स का, सेमीकंडक्टर्स का एनसीईआरटी बोर्ड की बुक देख लेना, 12th की बोर्ड में है, और पास्ट पेपर्स देख लेना,
पास पेपर्स कुछ ऊपर नीचे फॉर्मूले हैं तो वो रट जाएंगे, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स क्या है, वी आर गोइंग टू स्टडी देम। क्या ये एग्जैक्टली ये सेमीकंडक्टर है क्या? तो सेमीकंडक्टर्स पढ़ने से पहले ठीक है कंडक्शन बैंड ये सब भी रहेगा। सेमीकंडक्टर कौन सा एलिमेंट है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है इसके लिए, जो भी आपके मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम्स है या मॉडर्न जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स है उनमें सेमीकंडक्टर्स यूज कर सकते हैं। इसके अंदर सेमीकंडक्टर्स के अंदर इंजीनियरिंग में तो बहुत है, ग्रुप जो है कार्बन का, ठीक है, ग्रुप 14 जिसके अंदर सिलिकॉन रहता है, कौन, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, ठीक है, जर्मेनियम भी है, ठीक है, जर्मेनियम भी है बट सिलिकॉन ज्यादा फेवरेबल है सेमीकंडक्टर। आपको पता ही ना बोरॉन सिलिकॉन जर्मेनियम आर्सेनिक एसबी टी, ठीक है, तो ये आपका क्या है सेमीकंडक्टर है। तो सेमीकंडक्टर्स में सिलिकॉन की बहुत मोस्ट प्रॉपर्टी है जिसको एज ए ह्यूमन बींग हमने बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया है और बहुत अच्छे अच्छे गैजेट्स बनाए हैं। कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर्स आप और हमारे बीच के जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। सिलिकॉन कार्बन का भाई, नया चैप्टर है, एनसीईआरटी रीड करना, पुराने क्वेश्चन देखना, हो जाएगा। अच्छा, केमिकल बॉन्डिंग आया थोड़ा सा इसमें, केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है, तो ये मत सोचना मैं फिजिक्स वाला हूं, मैं मैथ्स वाला हूं तो केमिस्ट्री क्यों करना, बहुत जरूरी रहता है। अब ध्यान से इस चीज को समझो, कितने वैलेंसी कितनी है बेटा, वैलेंसी कितनी है कार्बन की, 4, सिलिकॉन की कितनी, 4। अब सिलिकॉन में बॉन्ड बन रहा है, सिलिकॉन आपने तो कर लिया होगा ना पी ब्लॉक में, ये स्ट्रक्चर देखा होगा आपने। अब देखो इनके बीच में सिलिकॉन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, कैसा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा होता क्या है सिलिकॉन में, ये इलेक्ट्रॉन है ना एक जो बॉन्ड में है, ये इलेक्ट्रॉन इसके स्ट्रक्चर में निकल जाता, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे जो है ये बॉन्ड को तोड़ के, जब ओवरऑल स्ट्रक्चर की मैं बात करूंगा तो ये बॉन्ड को तोड़ के निकल जाता है और यहां पे क्रिएट हो जाता है एक होल। क्या होता है, ये सिलिकॉन में बीच में दो बॉन्ड बने हुए हैं, दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के भाग जाता है और ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है तो जहां पे गया वहां पे क्या बनाता है, होल बनाता है। जहां इलेक्ट्रॉन चला गया वहां पे, जहां पे वैकेंसी क्रिएट हो गई, जहां पे इलेक्ट्रॉन ने साथ छोड़ दिया वहां बनता होल, वहां क्या बनता, होल। अब इसमें जनरेशन होता है इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेशन, क्या है, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर का जनरेशन होता है, ठीक है। अब होगा क्या, यहां इलेक्ट्रॉन गया, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन इसके होल को फिल करने के लिए यहां कूद सकता, तो यहां पे एक होल क्रिएट हो जाएगा। अगर यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां पे इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी निकली तो इसको फिल करने के लिए यहां से एक इलेक्ट्रॉन आ सकता, तो बेसिकली क्या होता है, एक होल क्रिएट हुआ उसको फिल करने के लिए नीचे से इलेक्ट्रॉन आया तो इस इलेक्ट्रॉन ने अपने बॉन्ड में एक और होल क्रिएट कर दिया और इस होल को क्रिएट करने के फिल करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन ने अपना साथ छोड़ा, तो बेसिकली आपके पूरे मॉलिक्यूल में जो सिलिकॉन का लैटिस है उसके अंदर होल और इलेक्ट्रॉन पेयर की जनरेशन होती है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं
फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो होल आ जाता है, और अपन मानते हैं कि होल इज मूविंग, एक इमेजिनेशन है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे हैं। वैसे ये पॉजिटिव चार्ज जो है, ये डिब्बा है, ये डिब्बा भी ऐसे गोल गोल मतलब पूरे लैटिस में मूव कर सकता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल जनरेशन हुआ है, ठीक है, इसको लिख लो। जितना मैं बता रहा हूं उतना आपको समझ में आ जाएगा, और फिर एनसीईआरटी रीड करनी पड़ेगी आपको। फटाफट लिख लो। छह बजे भी इसको कंप्लीट कर देंगे तो कल सेमीकंडक्टर शायद कंप्लीट हो जाएगा, सेमीकंडक्टर, और फिर सेमीकंडक्टर थोड़ा सा बड़ा है बट कम्युनिकेशन एक दिन का है, कम्युनिकेशन सिस्टम एक दिन का है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक दिन का है, तो वो तो डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे के ही है, ज्यादा नहीं है। तो समझ में आ रहा है क्या? इलेक्ट्रॉन कैन फ्रीली मूव, तो इलेक्ट्रॉन जब फ्रीली मूव करते हैं तो जो लोकेशन रहती है उसको क्या बना जाते हैं? होल बना जाते हैं, और होल क्या होता है? इट इज बेसिकली डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है ना, आगे बढ़ेंगे। हो गया तो बोलो भाई। हाँ बेटा बोलो, किसी को डाउट है? गोविंद नहीं सर, मैं नहीं बोला। तो इसमें दो तीन पॉइंट्स लिख लेंगे अपन, मैं दो तीन पॉइंट्स लिख लेंगे। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव इन द सिलिकॉन लैटिस जनरेटिंग होल्स, ठीक है। तो अपने केस में क्या मानते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव मानेंगे, नेगेटिव चार्ज, और होल्स को क्या मानते हैं? पॉजिटिव चार्ज, ऐसा मानते हैं, ठीक है। होल्स को पॉजिटिव चार्ज मानते हैं कि यह पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, अच्छा, और इनकी कंसंट्रेशन जो है, देखो जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही तो फ्री ये होल्स बनेंगे। नंबर ऑफ नॉर्मल कंडीशंस में नंबर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन
इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स, ये बात समझ में आ रही है. एंड दिस इज इंट्रेंसिक कंसंट्रेशन, दिस इज इंट्रेंसिक कंसंट्रेशन, तो इसे लिखेंगे कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ होल्स. ठीक है, एंड इसको बोल देते हैं दिस इज इंट्रेंसिक, मतलब ये कुछ भी ना करो तो भी होता, इंट्रेंसिक कैरियर कंसंट्रेशन. कुछ बड़े बड़े एकदम टर्म्स यूज कर रहा हूं मैं, इंट्रेंसिक एक्सट्रेंसिक, ये थोड़ी देर बाद अपन समझ लेंगे. जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ होल्स जनरेट होंगे, उतने ही नंबर ऑफ होल्स जनरेट होंगे. ये कितने पे होता है ये, अभी मैं आपको टेम्परेचर वेम्परेचर सब बताता, ये छाप लिया तो बताइए बेटा. होल्स जो है दोज आर एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में इनको पॉजिटिव चार्ज मान लिया जाता है. अपने जो भी नॉर्मल जो भी सेमीकंडक्टर की थ्योरी डेवलप हुई है उसके अंदर होल्स को पॉजिटिव चार्ज मानते हैं. क्यों? क्योंकि वो किसी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करें अपनी तरफ, खाली जगह है वहां पर इलेक्ट्रॉन्स आएगा, मतलब वो पॉजिटिव चार्ज है. ये थोड़ा सा मानना है, थोड़ा सा टिपिकल है बट मानना है. अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बताता, इससे आपको पता चलेगा कितना होल बनेगा कितना. अच्छा, अभी अर्थ की पॉपुलेशन कितनी है, ह्यूमन ह्यूमन से ह्यूमन पॉपुलेशन कितनी है अर्थ पे? इंडिया की पॉपुलेशन नहीं, वर्ल्ड की. सात सौ करोड़ से ऊपर, 7 बिलियन तो बहुत पहले हो गया था, 730. ओ बाप रे, 1000 करोड़, हम वास्ता पागल हो गए क्या? 1000 करोड़ हो गए तो दंगे हो जाएंगे, तुम्हारे घर में ही 100 लोग इकट्ठा हो जाएंगे. 1000 करोड़ बहुत ज्यादा हो गए भाई, 7 करोड़ 7 पॉइंट समथिंग है. भारत के 100 करोड़ है, देखो जरा सड़क के अपना खिड़की खोल के देखो कितनी जनता है भारत में. तो ध्यान से सुनिए, सिलिकॉन क्रिस्टल में, सिलिकॉन क्रिस्टल में कितने सिलिकॉन होते हैं? 5×10^28 एटम, 7.8 बिलियन. तो ये देखिए, 5×10^28 एटम्स होते हैं 1 मीटर क्यूब में, इतने एटम्स होते हैं एक अगर सिलिकॉन का क्रिस्टल लिया तो. अब इसके अंदर कितने इंट्रेंसिक इंट्रेंसिक कंसंट्रेशन या इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन या होल्स की कंसंट्रेशन कितनी होती है? 2×10^16 पर मीटर क्यूब इलेक्ट्रॉन्स या होल्स. अब बात समझो, ये कितने पे, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं उसके उसके क्रिस्टल में, तो ये इतना होता है. अब मजे की बात सुनो, मजे की बात सुनो, तो पूरे स्ट्रक्चर में इतना है. तो अगर जरा रेशियो निकाल के देखो कितना बाई कितना, एक एक इलेक्ट्रॉन या एक होल या एक कितना, इसको मैं डिवाइड करूं तो वन होल वन इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन या होल कितने एटम्स में है इन 10^12 हो जाएगा ना, 12 एटम्स. मतलब सोच रहे हो 10^12 एटम्स में एक होल पेर जनरेशन हुआ. ये तो मान लो करोड़ अरब खरब, मतलब भारत की पॉपुलेशन है या वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसमें उसके भी कितने टाइम्स ज्यादा पॉपुलेशन होगी सिलिकॉन एटम की, उसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है. तो बहुत रेयर प्रोसेस है, नहीं चमका? ये जो इसके मुकाबले नंबर ऑफ एटम्स है ये अरबों में खरबों में
एक बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो दिस इज रेयर प्रोसेस है ना, ऐसा नहीं है कि भाई बहुत इलेक्ट्रॉन फ्रीली घूम रहे हैं सिलिकॉन में। इतना बात सबको समझ में आया, ये बहुत रेयर प्रोसेस है। बहुत रेयर प्रोसेस है, इट इज अ रेयर प्रोसेस। तो वर्ल्ड चैंपियन मतलब होता ना हजारों करोड़ों लोगों में एक बंदा जो बहुत शक्तिशाली हो, जिसके पास में मैजिकल पावर्स हो, सुपर स्ट्रेंथ हो, वैसा कोई हो गया है। इतना सबको क्लियर है? अब थोड़ा सा मैथ फिजिक्स करेंगे। हो गया तो प्लीज डन लिख दो यार, ये कंसंट्रेशन याद रखनी है आपको, दोनों कंसंट्रेशन याद रखनी है। अच्छा अब देखो गेम देखो, सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, अब होगा क्या बेटा, मैंने मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड सबको समझ में आता, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला मतलब लगाया तो क्या होगा, बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मूव करेंगे, लेट से मैं यहां की बात करता हूं, तो यहां पे लेट से होल था, ठीक है। अब इस होल को फिल करने के लिए यहां से एक होल क्रिएट होगा और यहां से एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, अब इसको फिल करने के लिए यहां से एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इसको फिल करने के लिए यहां से, तो जब जब देखो जरा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो इलेक्ट्रॉन्स इधर भागेंगे, और मैं मान सकता हूं क्या होल्स जो है होल्स वो राइट साइड भाग रहे हैं। देखो पहले यहां पे था, फिर यहां पे क्रिएट हुआ, फिर तीसरा यहां पे, फिर चौथा यहां पे, यहां पे खाली जगह देखी, यहां से इलेक्ट्रॉन आ गया, यहां खाली जगह देखी एक इलेक्ट्रॉन आया, यहां पे तीन पे खाली जगह देखी इलेक्ट्रॉन आया। क्या मैं इसको मान सकता हूं इलेक्ट्रॉन तो लेफ्ट की तरफ जा रहा और जो होल है वो राइट की तरफ जा रहा। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, when electric field is applied, electron will move and so will the holes will move, dono hi move karenge, to jo current hota hai, current in a semiconductor is given as current due to electron plus current due to hole. In a semiconductor, current is given as current due to electron plus current due to hole. मान रहे इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा, पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा, तो करंट जो है वो बेसिकली दोनों के वजह से मानते हैं, ड्यू टू होल एज वेल एज ड्यू टू करंट, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। ये है इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट और ये है होल्स की वजह से करंट, होल करंट। सेमीकंडक्टर में एक विचित्र प्रॉपर्टी देखी गई, वो है कि करंट जो है वो होल्स की वजह से भी है और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी।
डिफरेंट प्रॉपर्टी है, बट ये रेयर होती है ना। ऐसे मत सोचना कि भाई जैसे मेटल्स में तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब ये इंट्रेंसिक कंसेंट्रेशन थी, इंट्रेंसिक कंसेंट्रेशन थी, थोड़ा सा और अपन बेटर करा लेंगे। ओके आप मेरी बात ध्यान से समझिए। आपको मैंने ये बताया था दिस इज इलेक्ट्रॉन करंट प्लस होल करंट, एक नया फिनोमिना जनरेशन हुआ। करंट आई याद करो, करंट आई मैंने ऐसा कुछ करा है क्या? एन एन ई ए वी डी, ये चीज आ रही याद आ रही क्या? करंट करंट एनी ए वी डी, ड्रिफ्ट करंट, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये कंसंट्रेशन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एरिया, ये कराया हुआ मैंने। अच्छा आई बाय ए ये आ जाता एन ई वी डी, ये भी कराया अपन ने। अच्छा आई बाय ए क्या होता था? आई बाय ए दिस वॉज करंट डेंसिटी, सॉरी याद है ना, करंट करंट, तो ये एन ई वी डी करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने कराया हुआ है आपको। अच्छा यहाँ पे एन क्या है? एन इज दी कंसंट्रेशन, यहाँ पे एन क्या है? एन इज दी कंसंट्रेशन, एन क्या है? कंसंट्रेशन है। ओके तो जरा देखिए इस वाले इक्वेशन को अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा रीमॉडिफाई करते हैं और अपन क्या करते हैं इसको लिख देते हैं आई कैपिटल आई इज इक्वल्स टू करंट एनी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज ई, दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ वी इनटू ए प्लस कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इनटू चार्ज ऑन होल इनटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल इनटू ए। अब ए को और ई को बाहर निकाल लीजिए, ए बाय ई इज इक्वल्स टू ई को बाहर निकालिए एन इनटू ई इनटू वी प्लस एन इनटू एच इनटू वी एच, ये चीज आ रही है, सबको समझ में आया? अच्छा ये जो J होता है J उसको मैंने ऐसा लिखा था J इज इक्वल्स टू सिग्मा इनटू E, याद आ रहा है? यही था मेन रूल, ठीक है, जो आपका ओम्स लॉ आया था वो यही से आया था, J इज इक्वल्स टू सिग्मा E। तो ये जो है दिस इज J, दिस इज कैपिटल J, दिस इज E इनटू N E V E प्लस NH VH। अब इसको क्या कर दिया मैंने, इसको लिख दिया सिग्मा इनटू ई, इसको सिग्मा इनटू ई लिखा, दिस इज ई, इसको सिग्मा इनटू ई लिखा एन ई वी प्लस एन एच वी एच, बस बस हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, बस इतना ही सही। सिग्मा को क्या लिखा? सिग्मा एच, ठीक है, बस ये थोड़ा सा बस इतना सा अपने को समझना था और कुछ नहीं करना। सिग्मा इज ई बाय कैपिटल ई एन ई बी ई प्लस एन एच बी एच, बस इतना लिख लो, इतना लिख लो बेटा, कुछ नहीं, बस इक्वेशंस में मैं ऐड करते जा रहा हूं, ड्रिफ्ट करंट और ये जितने भी अपने निकले थे, सिग्मा इंटू ई, सिग्मा इंटू ई लिखा, E को नीचे भेज दिया, सिग्मा की वैल्यू ये है,
अभी थोड़ी देर और रुक जाओ, आपको थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी आने लगेगी लेक्चर में होता क्या है इसमें, मतलब इसमें पढ़ना क्या है मेरे को। बस यहाँ पे भी ले जाके छोड़ सकते हो आप, मतलब कहीं पे इक्वेशन देख लो तो यहाँ पे इक्वेशन ले जाके छोड़ सकते हो आप। काम तो बहुत ही कम आने वाला है ये सब। चलिए ठीक है। तो मैंने देखा कि यार जो भी चीज है वो मैटर करती है कंसंट्रेशन पे, आपका होल्स का कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन, दोनों का कंसंट्रेशन भी नॉर्मल पे तो सेम ही होता है, तो ये आपको एक चीज यहां तक आनी चाहिए, बस यहां तक बात खत्म। ठीक है। अच्छा, अब दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स अपन ने बनाए हैं। देखो यार सुनो मेरी बात समझो, इंसुलेटर वो होते हैं जिन पे कोई करंट नहीं पास होता सकता, कंडक्टर वो है जिन पे थोड़ा सा भी करंट, बैटरी लगाओगे करंट फ्लो होगा, सेमीकंडक्टर वो है जिनको मैं काबू में रख सकता हूं, उनके अंदर कितना करंट पास कराना नहीं कराना ये ह्यूमन के पास में पावर है। अब ह्यूमन के पास में पावर कहां से आई, पहले तो ह्यूमन ने सेमीकंडक्टर को अच्छे से सिलिकॉन को समझा, सिलिकॉन की बॉन्डिंग देखी, सिलिकॉन में होल्स और इलेक्ट्रॉन्स को आइडेंटिफाई किया, फिर बोला कि मैं सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटीज मिला दूं, इफ आई कैन इम्पोज इम्प्योरिटीज, इसमें मैं इम्प्योरिटीज ऐड कर दूं। इम्प्योरिटीज क्या है थोड़ी देर में मैं डिस्कस करता हूँ। इम्प्योरिटीज ऐड कर दी तो दो टाइप के सेमीकंडक्टर डेवलप होते हैं, एक पी टाइप और एक एन टाइप। दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स मैं डेवलप करा सकता हूँ, पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर मैं डेवलप करा सकता हूँ। ये इसको ऐसे भी बोलते हैं, इम्प्योरिटीज डाल दी या डोपेंट्स डाल दिए। क्या डाल दिए? डोपेंट्स। इम्प्योरिटीज डाल दी या डोपेंट्स डाल दिए तो मैं सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर बना सकता हूं या पी टाइप सेमीकंडक्टर बना सकता हूं, एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर बना सकते हैं। अच्छा, एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर अपन इसको बना सकते हैं। अब एन टाइप में क्या होता है, इसमें डाला जाता है एन टाइप में ग्रुप 13 वाले बंदे डाले जाते हैं, ग्रुप 13, और इसमें डाला जाता है ग्रुप 15 के बंदे। इसमें किसको डाला जाता है? ग्रुप 15 के बंदे डाले जाते हैं। इसमें ग्रुप 15 की इम्प्योरिटी डाल दिए, कैसे बनाते हैं अब थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। ये आपको पता ही है सिलिकॉन का कंसंट्रेशन 5 × 10^28 एटम्स पर मीटर क्यूब होता है, इसमें होल्स की इलेक्ट्रॉन्स की इंट्रेंसिक कंसेंट्रेशन 2 × 10^16 होती है। अच्छा, दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स हैं, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर बनते हैं ग्रुप 13 के एडिशन से और एन टाइप सेमीकंडक्टर बनते हैं ग्रुप 15 के एडिशन से। अब अपन डोपिंग कराते हैं, क्या कराते हैं? डोपिंग। डोपिंग, डोपिंग वर्ड सुना है क्या? डोपिंग टेस्ट हुआ, प्लेयर का डोपिंग टेस्ट हुआ, सुना है क्या? तो अपन सेमीकंडक्टर्स में ये इम्प्योरिटीज डालते हैं, क्या? 1 ppm, नाम सुना है क्या? ppm, पार्ट्स पर मिलियन, 1 ppm। अगर 1 ppm की मैंने डोपिंग करा दी ग्रुप 13 से या 15 से, तो सेमीकंडक्टर जो नेचुरल सेमीकंडक्टर होता है वो एन टाइप या पी टाइप सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट हो सकता है। कैसे? यहां तक तो छाप लिया ना? ये बेटा आपके बोर्ड में डायरेक्टली एन टाइप क्या है, पी टाइप क्या है, ये पूछ सकता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा कि
एन टाइप सेमीकंडक्टर में कौन से एलिमेंट की इंप्योरिटी डाली जाती है? तो एन टाइप में सेमीकंडक्टर में कौन सी इंप्योरिटी डाली जाती है? ग्रुप 15 डाला जाता है इसके अंदर। एन टाइप में ग्रुप 15 के कौन कौन से एलिमेंट है जरा नाम बताओ। ग्रुप 15 नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। बट अपन क्या करते हैं, उसके इक्विवेलेंट पीरियड 3 से सिलिकॉन का भाई निकलता है फास्फोरस। ठीक है, नाइट्रोजन फास्फोरस, तो सिलिकॉन में डालेंगे फास्फोरस, तो देखिए जरा बॉन्डिंग क्या बन जाएगी। सिलिकॉन यहां सिलिकॉन, यहां फास्फोरस, यहां सिलिकॉन। बेटा ये जो है ना अपन पढ़ रहे इतने ही, जब आप लैब में जाके काम करोगे आईआईटीज में तो आप सेमीकंडक्टर खुद भी क्रिएट कर सकते। तो आप बॉन्ड ये सब बॉन्ड हो गया। यहाँ पे ऑड मैन आउट कौन है? फास्फोरस क्या है? इट इज इम्प्योरिटी। फास्फोरस की इम्प्योरिटी डाल दो सिलिकॉन क्रिस्टल में, इम्प्योरिटीज डाल दो या इससे फास्फोरस की सिलिकॉन में डोपिंग करा दो। तो अच्छा बताओ, फास्फोरस के आखिरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ, बस वही है। इस फास्फोरस ने एक इलेक्ट्रॉन यहां दिया, एक इधर दिया, एक इधर दिया, एक इधर दिया। इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गया। बेटा 4 कमरे हैं, 1 2 3 4 सिलिकॉन की जगह ली फास्फोरस ने और इसके पास में कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है। अब ये पांच इलेक्ट्रॉन, एक कमरे में एक ही बंदा रह सकता। अब ये जो पांचवा इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 ये बेचारा बेघर हो गया। अगर ये बेघर हो गया तो क्या करेगा? ये आवारा हूं तो ये आवारों की तरह फ्रीली मूव करेगा। ठीक है, तो फास्फोरस इज अ डोनर एलिमेंट, इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू द सिलिकॉन क्रिस्टल। वो क्या करता? सिलिकॉन क्रिस्टल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता। 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 ने बॉन्ड बना लिया सिलिकॉन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन बचा जो कि बाहर फिरेगा। तो इस पे क्या है? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या हुआ? नेगेटिव। इसके वजह से इसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। नहीं चमका। इसमें क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए तो इसका चार्ज क्या है? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या है? नेगेटिव है तो उसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओवरऑल तो न्यूट्रल रहेगा बट ज्यादा क्या है? मोर इलेक्ट्रॉन्स देन होल। होल्स के मुकाबले अब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ गई। इसको छाप लो, यहां तक छाप लो तो डन कर दो। आज एन टाइप सेमीकंडक्टर, फिर शाम में अपन पी टाइप खत्म करेंगे फटाफट। बस वो है कि यार आप एनसीईआरटी पढ़ना अभी है ना। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो कुछ हो सकता है ना, 2-3 पॉइंट छूट गए बोर्ड के लिए, तो पढ़ लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, आपको समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा एनसीईआरटी से। मैं जो काम की चीज है वही बता रहा हूँ आपको, डिटो लाइन टू लाइन एनसीईआरटी नहीं समझा सकता। अच्छा,
अब नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है, मोर सॉरी नंबर ऑफ मोर इलेक्ट्रॉन्स देन होल्स। अच्छा ये एक इक्वेशन है जो आपको याद रखनी है, कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ होल्स इज इंट्रेंसिक कंसेंट्रेशन का स्क्वायर, इज इंट्रेंसिक कंसेंट्रेशन का स्क्वायर। रिमेंबर दिस, कहां से आया क्यों आया कोई जरूरत नहीं, रिमेंबर दिस, ये होता है, दिस इज ट्रू ये होता है। आप मान लीजिए मेरी बात, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और जितने होल्स हैं वो ni स्क्वायर के बराबर होंगे, वो किसके बराबर होंगे, और एट 27 सेंटीग्रेड ni इज इक्वल्स टू 2 × 10⁻¹⁶, थोड़ी देर पहले किया था मैंने। अच्छा ध्यान से, इन n टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर है उसमें ne कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितनी होगी, एक इंट्रेंसिक कंसेंट्रेशन जो नॉर्मल टेम्परेचर में जितना था उतना प्लस नंबर ऑफ डोनर एटम्स, दिस इज नंबर ऑफ डोनर एटम्स। डोनर एटम्स क्यों, क्योंकि एक फॉस्फर अगर डाला तो एक फॉस्फर पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल रहा, तो इसकी कंसेंट्रेशन कितनी होती है। अच्छा डोनर एटम्स कितने होंगे बेटा, देखो सिलिकॉन की कंसेंट्रेशन होती है 5 × 10⁻², उसका 1 मिलियन, उसका 1 मिलियन हिस्सा। कितनों को ये चीज समझ में आई, 1 ppm जो भी एल्यूमिनियम जो भी सिलिकॉन था, सिलिकॉन का 5 × 10⁻², कहाँ गया भैया, ये था सिलिकॉन, सिलिकॉन की कंसेंट्रेशन है 5 × 10⁻², इसका 1 मिलियन पार्ट, तो 22 हो जाएगा, ये 22 हो गया, 10⁻¹⁶, ये 22, क्या होगा, क्या मैं इसको इतना लिख सकता हूँ, दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू 5 × 10⁻², क्या ये सबको समझ में आया, 10⁻⁶ है और 22 है, इसको नेग्लेक्ट कर सकता ना, तो इलेक्ट्रॉन की कंसेंट्रेशन कितनी हो गई, क्योंकि डोनर एटम डाल दिए तो जो डोनर एटम्स है वही कंसेंट्रेशन इलेक्ट्रॉन्स की हो गई, क्योंकि वो तो अरबों खरबों में एक आ रहा था, ये तो हर एक मिलियन पे एक आ रहा है, 1 मिलियन सिलिकॉन पे एक फॉस्फोरस डाला तो एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा उसके। यहां तक छापे तो डन लिखो, फटाफट लिखो। अच्छा एक हमेशा एक इक्वेशन याद रखनी है, ये ni स्क्वायर है, ठीक है, ये कितना है ni स्क्वायर, तो कंसेंट्रेशन ऑफ होल इज ni का स्क्वायर बाय ne, तो ये है 2 × 10⁻⁶, ये कितना था 16 का होल स्क्वायर अपॉन, ये वाला कितना है, अभी इलेक्ट्रॉन्स कितने निकले, ये कितना हो गया 4/5 × 10⁻¹० हो गया, ये कितना हो गया 10 हो गया, सही कर रहा हूँ क्या मैं, हाँ सही है, अगर ये सही है तो देखो होल्स की कंसेंट्रेशन हो रही है 10⁻¹० में और इलेक्ट्रॉन्स की कंसेंट्रेशन हो रही है 10⁻², तो n टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मच मच ग्रेटर देन होल्स, तो लिखेंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स,
इन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर दीज आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। देख लो इसको, एन टाइप सेमीकंडक्टर में किसकी ज्यादा कंसंट्रेशन होती है? इलेक्ट्रॉन्स की। आर इन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी कौन है? माइनॉरिटी चार्ज कौन है, चार्ज कैरियर कौन है? होल्स। इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी है, माइनॉरिटी है होल्स। मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है, माइनॉरिटी है होल्स, ठीक है। ये है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो आपसे सिंपल ऑब्जेक्टिव सवाल, एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनाते हैं, कौन सा एलिमेंट डालेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर में किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, ऐसे नॉर्मल नॉर्मल चिंदी चिंदी सवाल आपसे पूछ सकते हैं। दो लेक्चर मतलब कल के दिन में अपन पूरा ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। इसमें मेरे से ज्यादा आपका एफर्ट जरूरी है, आप एनसीईआरटी रीड करें। अच्छा इसका सिंबल भी है, क्या सिंबल है जरा देखो, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को। ये एटम एटम एटम, ये भी एटम, ये भी एटम, ये भी एटम, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स को शो किया है, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स को शो किया है। ठीक है, जब भी डोपिंग डाल दी तो दो टाइप के सेमीकंडक्टर बना सकते हैं डोपिंग करने से, एन टाइप पी टाइप। जब फॉस्फोरस नाइट्रोजन फैमिली का डालेंगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, दैट्स इट। ठीक है, आज का क्लास का समझ में आया? टेलीस्कोप, टेलीस्कोप के प्रॉब्लम्स, आईआईटी के प्रॉब्लम्स, जेई के प्रॉब्लम्स, और जो डिफ्रैक्शन है उसमें आपको थोड़ा सा और रिजॉल्विंग पावर वो सब पता चल जाएगा। सेमीकंडक्टर्स का एनसीईआरटी प्लीज रीड करो, तब जाके समझ में आएगा। देखो ये चैप्टर सारे बोर्ड वाले हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम करने नहीं आएगा कि भाई बहुत तोड़ू फोड़ू प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, थोड़ा सा थ्योरी और एनसीईआरटी बस काम खत्म। ठीक है, चलो फिर आज के लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं 6 बजे, 4 बजे भी लेक्चर है वैसे आपका। बाय बाय।